dental health and oral health is a very essential part of our overall well-being. लेकिन समस्या ये है कि हम लोग अपने डेंटल हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। हमें लगता है कि दांतों की समस्या कोई खास समस्या थोड़ी होती है, और जो चीज मुंह के अंदर है वो किसी को दिख थोड़ी रही है कि उसमें कोई समस्या है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हकीकत ये है, रिसर्चर्स ये बताते हैं कि अगर आपके मुंह में कोई समस्या है, दांतों की समस्या है या ओरल हाइजीन में कोई समस्या है, तो वो बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती है। यानी कैंसर जैसे रोग आपको हो सकते हैं, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, यानी ये बड़ी इश्यूज को भी जो है एड्रेस करने वाली बात है कि अगर आपने डेंटल हेल्थ को एड्रेस नहीं किया तो ये बड़ी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम अपने मुंह के स्वास्थ्य के बारे में बात करें, और इसलिए मैंने आमंत्रित किया है डॉक्टर मोनिका लाल जी को, जो कि एक बहुत ही रेनाउंड ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, सर्टिफाइड इनविजिलाइन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर लाल्स माई ब्रेसेस एंड इम्प्लांट क्लिनिक की वो ओनर हैं, डॉक्टर हैं, लोगों की दांतों की सेहत का ख्याल रखती हैं, और अगर मैं कहूं कि वो स्माइल स्पेशलिस्ट हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो मैं यहां डॉक्टर मोनिका लाल को एक रिक्वेस्ट भेजती हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत चमकते रहें, दांतों की कोई समस्या ना हो और ताउम्र आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, तो आप अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। तो मैं यहां भेजती हूं डॉक्टर साहब को एक छोटा सा रिक्वेस्ट, और हम उनसे करते हैं बातें। वेलकम, थैंक यू सो मच योगिता, थैंक यू। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, और थैंक्स, मुझे आपको कहना चाहिए कि आज आपकी वजह से हम लोगों को दांतों के बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला है। मैं भी काफी वेट कर रही थी इस सेशन का, कि लोगों में बहुत ज्यादा मिथ्स हैं तो वो हम दूर कर पाएंगे कुछ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। मैम, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल मालूम नहीं होता, लेकिन हमें बीमारियां पता होती है कि हमें ये बीमारी है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर आपसे एक एक करके सवाल पूछूं तो वो बहुत बेहतर रहेगा, है ना? हाँ जी, राइट। ये ऑर्थोडोंटिक्स क्या होता है, मुझे असल में इसके बारे में जानना है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑर्थोडोंटिक्स देखिए दो शब्दों के मिलन से बना है, ऑर्थो मींस राइट और डोंटिक्स मींस दांत। जब हम दांतों को सीधा करते हैं तो वो स्पेशलिटी जो है वो ऑर्थोडोंटिक्स होती है, उसमें ब्रेसेस, अलाइनर्स वगैरह ये यूज करके हम दांतों को अलाइन करते हैं। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब हमें दांतों को अलाइन करने से इसकी इम्पोर्टेंस है या कोई और वजह भी है? एक तो सबको लगता है कि दांत सीधे होने से अच्छा दिखते हैं, टेढ़े मेढ़े दांतों में लोग कॉन्शियस रहते हैं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, और एक ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो वहाँ खाना बहुत फंसता है। अगर दांत सीधे होंगे तो दांतों को क्लीन रखने में भी अच्छा रहता है, तो इसलिए दांत सीधे करना इस वजह से भी जरूरी है कि हम उनको क्लीन रखें। तो डॉक्टर, जैसे नॉर्मल बीडीएस होते हैं, क्या वो लोग भी ऐसे पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं, वो भी दांतों को सीधा कर सकते हैं? देखिए, जब भी ऑर्थोडोंटिस्ट बनते हैं तो बीडीएस के बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे एक नॉर्मल डॉक्टर होता है एमबीबीएस, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बनता है, उसको स्पेशलाइज करना पड़ता है। तो नॉर्मल बीडीएस यूजुअली नहीं कर पाते ब्रेसेस ट्रीटमेंट। मैंने कई देखे हैं जो स्टार्ट कर लेते हैं बट उनको पता नहीं चलता कि मिडवे आके कैसे करना है, क्योंकि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लंबा चलता है, एक साल के चलता है, तो बीच में आके उनको फिर समझ नहीं आता कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो इट्स ऑलवेज ऑर्थोडोंटिस्ट से ही कराएं ब्रेसेस का ट्रीटमेंट। बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, आपने बोला कि दांतों का ट्रीटमेंट जो है वो एक साल तक भी चलता है, तो इसका जो इसकी जो शुरुआती एज है, किस एज के बच्चे या बड़े इसे शुरू कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट को? मोस्ट कॉमन एज तो देखिए 12 साल से हम रिकमेंड करते हैं, 11 या 12 साल से की कराना चाहिए। बट कई बार जिनके दांत बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, बाहर को होते हैं, उनका हमें 7 या 8 साल की उम्र में भी दांत सीधे करने पड़ते हैं।
अच्छा तो हाँ इसकी कोई एक स्पेसिफिक एज नहीं होती, बट मैं रिकमेंड करती हूँ कि 11 साल में एक बार अपने, 10-11 साल में एक बार अपने ऑर्थोडॉन्टिस्ट को विजिट करें, क्योंकि क्योंकि हमें स्पेस मिल जाए दांतों को सीधा करने के लिए। अच्छा 10-11 साल की उम्र में तो दिखा ले, कई बार क्या होता है कि इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हम अपने इन टेढ़े मेढ़े दांतों को अच्छा करवा लें। और आपको शायद ध्यान हो, पहले में जो फिल्म एक्ट्रेसेस होती थी मौसमी चैटर्जी टाइप, उनके दांतों पर दांत चढ़ा हुआ, हम बोलते क्या खूबसूरत लग रही है। और हमारे यहाँ मिथ्स भी होते हैं कि अरे बड़े लकी होते हैं जिनके दांत ऐसे होते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, हमारे दांत सीधे होने चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए। तो कई बार एज बहुत निकल जाती है, जैसे आपने 11-12 साल कहा, तो वो तो एज कई बार बहुत निकल जाती है, हम मिड एज में पहुंच जाते हैं। तो मेरे दिमाग में ये सवाल रहता है कि क्या एज एक्चुअली आप सजेस्ट करती हैं जिसमें हम इसको ट्रीट कर सकते हैं मैक्सिमम एज? हाँ जी, देखिए मेरे पास मैं कहूँ कि आधे पेशेंट्स बच्चे हैं और आधे बड़े भी हैं, जो 40-50 साल की एज के भी हैं। ओ तो कई बार, हाँ जी, जब पेरेंट्स नहीं कराते ट्रीटमेंट, तो फिर बड़े होके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी होने वाली होती है, तो भी कई पेरेंट्स अपना ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराते हैं। तो मैक्सिमम एज आई वुड से कि 55 ईयर्स तक ब्रेसेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यानी 55 तक हम अपने दांतों को सीधा करवा ही सकते हैं किसी भी तरह से। अच्छा ये इनविजिलाइन ट्रीटमेंट जो आपने आपके आपकी स्पेशलिटी है, तो मुझे बहुत हाँ ताज्जुब जी, हुआ, मुझे तो पूरी जिंदगी बस ब्रेसेस के बारे में ही मालूम था। ये ट्रीटमेंट हाँ क्या जी। है, मुझे इसके बारे में बताइए। देखिए, एक तो ब्रेसेस होते हैं जिसमें आपने देखा होगा दांतों पे मेटल के वो ब्रेसेस लगे होते हैं। अब क्या है, आजकल अलाइनर्स आने लग गए हैं जिनको उस ट्रीटमेंट में ब्रेसेस नहीं लगाने की जरूरत। अच्छा ब्रेसेस में खाना फंसता है और वो थोड़े से लोगों को भद्दे भी लगते हैं। तो आजकल इनविजिलाइन ट्रीटमेंट आ गए जिसमें ऐसे अलाइनर्स पहनने होते हैं, वाह ऐसे बहुत आराम से पहन लिया अलाइनर, एंड हर 15 दिन में नया सेट पहनना पड़ता है। अच्छा ओके। हाँ तो जी, तो ये 20 दिन, ये हाँ अलाइनर्स जी, निकल नहीं जाते, मतलब अगर आपने ऐसे पहना हुआ है, आप च्यू कर रहे हैं, कहीं अचानक निकल गया अपने आप, तो ऐसा कुछ हो सकता है ये च्यू क्या? करने के टाइम पे पहनना नहीं है, च्यू करने के टाइम पे उतार के रख देना है इसको, पर एटलीस्ट 20 घंटे अलाइनर्स पहन के रखने होते हैं। अच्छा, और वो ब्रेसेस तो ऐसे होते हैं नहीं, कि वो निकाल ही नहीं सकते हम। वो नहीं निकाल सकते, वो एक बार ही चिपका देते हैं ब्रेसिस को। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि दोनों में से बेस्ट कौन सा रहता है, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, कई मेरे हिसाब से तो इनविजिलाइन अलाइनर्स ही बेटर रहते हैं, क्योंकि इनमें खाना नहीं फंसता। सबसे बड़ी बात ये है, हाँ राइट ब्रेसेस टूटने के चांस नहीं रहते, और पहनना निकालना भी बहुत कंफर्टेबल होता है, कोई वायर नहीं चुभती इसमें। तो ये हाँ ब्रेसेस से तो सर्टेनली बेटर होते हैं, बट कई ऐसे होते हैं दांतों की कंडीशन हाँ जिसमें ये नहीं लग पाते, तो ये एक बार कंसल्ट करके ही लगवाने चाहिए। अच्छा, मतलब ये ऐसे वाले ब्रेसेस हैं कि ये हर दांतों पे सूटेबल नहीं होते हैं, ये आप चेक करती हैं किसको ये पहनना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओह हाँ जी, अच्छा, मेरे दिमाग में ये भी सवाल रहता है, जैसे ब्रेसेस बहुत सालों तक पहनने पड़ते हैं, मैंने कई बच्चों को देखे हैं कि काफी टाइम तक उसे पहनते हैं, उसके बाद उन्हें हटाया जाता है। तो ये इनविजिलाइनर्स जो हैं, क्या इनके भी कुछ नंबर ऑफ इयर्स होते हैं जिन्हें पहनना जरूरी होता है? नहीं, देखिए, दांत एक सर्टन लेवल तक मूव करते हैं हर महीने। अगर मैं कहूँ कि 1 मिलीमीटर ही मूव करते हैं हर महीने, तो उससे ज्यादा फोर्स लगा नहीं सकते। तो सबका ट्रीटमेंट टाइम सेम होता है ऑलमोस्ट, चाहे अच्छा ब्रेसिंग हो चाहे अलाइनर्स हो। अलाइनर्स में भी कई बार 2 साल लग जाते हैं ट्रीटमेंट ओके करने में। हाँ तो जी, फिर तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ अलाइनर्स ने, क्योंकि अगर हर 15 दिन में हमें चेंज करना है तो कॉस्ट वाइज शायद ये ज्यादा महंगा होता होगा फिर। हाँ जी, थोड़ा सा ब्रेसेस से तो ये ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट के पड़ जाते हैं अच्छा इनविजिलाइन। अच्छा लेकिन ये अच्छी बात होती है कि इसको पहनने के बाद आदमी की जो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, ब्रेसेस जो दिख रहे होते हैं आजकल, हाँ जो जी, टीन्स होते हैं ना, उन्हें पसंद नहीं आता कि मेरे ब्रेसेस नजर आए। मेरी एक हाँ नीस है, जी, मैंने उसको देखा है, शी पुट्स ऑन दी ब्रेसेस और वो पूरे टाइम वो स्माइल भी ऐसे करती है, तो वो इसलिए हाँ जी, कि ब्रेसेस नजर ना आए। तो उन लोगों के हाँ लिए इज जी, गोइंग टू हेल्प आउट, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अलाइनर्स तो बहुत कंफर्टेबल है। That's so nice. अच्छा, अब हम इम्प्लांट्स की बात आपसे पूछ लेते हैं, ये इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स
जिनके दांत मिसिंग होते हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो इम्प्लांट्स लगवाएं। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, एक स्क्रू होता है इम्प्लांट हाँ जो कि हम हड्डी में लगा देते हैं उसको, और उसको 3 महीने तक कवर्ड रहने देते हैं, फिर 3 मंथ्स के बाद उसपे ये दांत लग जाते हैं। तो एक स्क्रू अंदर जाता है हमारे बोन के अंदर, जॉ में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओ तो मिसिंग टीथ के लिए। ये सेफ रहता है क्योंकि एक मतलब बाहरी चीज हाँ हम बोन के अंदर डाल रहे हैं। हाँ जी, नहीं इम्प्लांट्स तो काफी सेफ हैं, बट अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट्स होने चाहिए, टाइटेनियम इम्प्लांट्स। डॉक्टर, मैंने ये भी सुना हुआ है कि आप लोग बोन डेंसिटी भी टेस्ट करते हैं इम्प्लांट से पहले, कि कहीं आपकी हड्डियां जो है वो बहुत कमजोर ना हो, अगर वो कमजोर हो तो शायद इम्प्लांट्स नहीं लग सकते, ऐसा भी कुछ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कई बार दांत निकलने के बाद स्पेशली ऊपर वाले जबाड़े में हड्डी कई बार ही इतनी घनी नहीं होती कि उसमें इम्प्लांट लग पाए। इम्प्लांट बोन के साथ जुड़ता है, तो अच्छा अगर हड्डी बहुत ज्यादा डेंस नहीं होती तो फिर इम्प्लांट नहीं हम सजेस्ट करते उस केस में। हाँ डॉक्टर साहब, बाय चांस मैंने एक इम्प्लांट लगवा लिया तो उस जी इम्प्लांट की जिंदगी कब तक रहेगी, मतलब लाइफ लॉन्ग रहेगी या कुछ सालों बाद मुझे चेंज करवाना पड़ेगा? नहीं, इम्प्लांट्स अच्छे इम्प्लांट्स लाइफ लॉन्ग रहते हैं, उनमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती। उनके डिके होने की, उसमें कोई प्रॉब्लम होने की नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अच्छे इम्प्लांट्स होने तो चाहिए। हमारे गम्स भी सेफ रहते हैं क्योंकि अब हाँ बाहर से जी चीज लगी हुई है, तो दिल भी हाँ सेफ जी होगा हाँ जी उसमें। हाँ जी हाँ जी, वो अपने नेचुरल दांतों जैसे ही एक्ट करते हैं। अरे वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग ना यूजली डेंटिस्ट के पास जल्दी जाना चाहते नहीं है क्योंकि उन्हें हाँ लगता है कि जी क्या करेंगे डेंटिस्ट के पास जाके, मतलब ऐसा क्या ही करवाना पड़ेगा। आपको क्या हाँ लगता जी है कि लोगों की इग्नोरेंस उनके साथ क्या क्या घातक करवा सकती है? हाँ जी, देखिए लोग सोचते हैं डर के मारे डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। जब एक छोटी सी कैविटी होती है उसको ट्रीट करना ज्यादा आसान होता है, उसमें खर्चा भी कम होता है, टाइम भी कम लगता है। छोटी सी कैविटी बढ़ के नर्व्स तक पहुंच जाती है तो रूट कैनाल करना पड़ता है। अगर एक कैविटी फिलिंग के 1,000 रुपए हैं तो रूट कैनाल के 6,000 हो गए, राइट? और यस कैपिंग के ऊपर से और 5 से 10 हज़ार, तो वो उससे बिल्कुल 10 टाइम्स कॉस्ट बढ़ जाता है। और वो भी ना कराया, रूट कैनाल भी ना कराया डर के मारे, तो फिर दांत निकालना पड़ता है और फिर इम्प्लांट लगता है, उसका 30,000 से खर्चा शुरू होता है। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स डबल ऐसे रेट बढ़ जाते हैं, जो कि अगर हम नई ट्रीटमेंट कराते तो। आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे आपने रूट कनाल का भी जिक्र किया, तो रूट कनाल भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये भी किसी स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट से ही करवाना चाहिए, नॉर्मल बीडीएस नहीं करते ये भी? नहीं, नॉर्मल बीडीएस भी करते हैं, रूट कैनाल प्रोसीजर्स करते हैं। अच्छा, हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, कई कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जो कि एंडोडोंटिस्ट से कराने पड़ते हैं, अदरवाइज रूट कैनाल प्रोसीजर्स कर सकते हैं सभी। मुझे मुझे एक चीज और ध्यान में आई, जब हम अभी बात कर रहे थे टूथ इम्प्लांट की बात कर रहे थे और आपने कहा स्क्रू अंदर फिट होता है, आपने मुझे दिखाया भी, अभी मॉक भी दिखाया, तो वो क्या सर्जरी करके आप फिट करते हैं? क्या प्रोसीजर होता होगा? बहुत पेनफुल होता होगा? नहीं, पेनफुल तो बिल्कुल भी नहीं होता। कई बार तो हम 5 या 6 इम्प्लांट्स इकट्ठे एक सिटिंग में डाल देते हैं और पेशेंट को कुछ पता भी नहीं चलता। तो इम्प्लांट प्लेसमेंट मैं कहूंगी कि एक्सट्रैक्शन करने से कम पेनफुल अच्छा, ये तो आपने अच्छा बताया, एक्सट्रैक्शन होता कराने में ज्यादा पेन है तो हम समय रहते ही पहले आपको दिखवा लिया करें ताकि एक छोटी सी कैविटी को ही जी हम ठीक करवा लें, बड़ा काम ना करवाना पड़े अपने टूथ के ऊपर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी राइट डॉक्टर, एक चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी, जो पुराने समय के हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे या अभी भी देखते हैं कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो दांतों की समस्या को कोई समस्या मानते ही नहीं है, और ओरल हाइजीन के बारे में भी उनका इतना खास कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि तेरे दातुन कर लो, मंजन कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कई बार वो उनकी ना पायरिया की स्मेल और ऐसी ना अजीब सी अनोइंग स्मेल आती रहती है जिसका कि हम शर्म के बारे में बड़ों को कुछ कह नहीं पाते हैं। ऐसे लोग जो अपने दांतों की हेल्थ को इग्नोर करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या चीज आगे उनको इफेक्ट कर सकती है उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से?
देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं ओल्ड एज में जो 60+ 70+ आते हैं, तो उनके ना दांत होते हैं ना हड्डी होती है, तो डेंचर भी नहीं लगा पाते उनके। तो इस वजह से शुरू से ही वो ख्याल रखें, ब्रशिंग अच्छे से करें, सफाई कराते रहें दांतों की डॉक्टर के पास जाके, तो उनके दांत भी ओल्ड एज तक बचे रहेंगे। कईयों को हमें वापस भेजना पड़ता है कि अब आपके कुछ नहीं हो सकता, या ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, हाँ 2 से 4 लाख का ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, इम्प्लांट्स लगवाने पड़ते हैं, फिर जाके उनके दांत रिप्लेस होते हैं। इससे बेटर तो ये है कि आप हर 6 महीने में डॉक्टर के पास जाके अपने दांतों की सफाई करा लें। हाँ दांतों की सफाई से भी मुझे एक बात ध्यान में आई डॉक्टर साहब, मैंने ऐसा भी सुना है कि जो लोग दांतों की रेगुलर सफाई करवाते रहते हैं, स्केलिंग करवाते रहते हैं, उनके दांत कमजोर हो जाते हैं। ये सच है या मिथ है ये? नहीं, ये मिथ है, बल्कि इससे उल्टा ही होता है। जो दांतों की सफाई नहीं कराते, उन दांतों पे जो टार्टर जमता है वो एक जर्म्स का कलेक्शन होता है, ओ बैक्टीरिया होते हैं सारे, जो कि हमारी हड्डी को गला देते हैं। वो पाइलिया का पहला स्टेज होता है, तो तो इसलिए हाँ जी, क्लीनिंग कराते रहना चाहिए हर 6। हम लोग खुद अपने सारे डेंटिस्ट हर 6 महीने में क्लीनिंग कराते हैं, अपने फैमिली मेंबर की क्लीनिंग करते हैं हर 6 महीने माय गॉड डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आपसे ना मुझे बहुत सारे सवाल पूछने पड़ेंगे, और मुझे उसके लिए आपके साथ और भी एक सीरीज करनी पड़ जाएगी, ताकि हम दांतों की सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं इसके साथ। डॉक्टर साहब चलते जी। चलते मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि अपने ओरल हेल्थ और ओरल हाइजीन को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप एज अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, हम सब लोगों को क्या सजेशंस देंगे, क्या टिप्स देंगे? सबसे बड़ा टिप तो मैं ये दूंगी कि अपने, जैसे हम अपनी ग्रूमिंग करते हैं, हम अब सजने संवरने में आधा पौना घंटा खर्च कर देते हैं, हमारे दांतों को हमसे सिर्फ दिन के 4 मिनट ही चाहिए। बस 2 मिनट सुबह अच्छे से ब्रश करना है और 2 मिनट रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले वाला ब्रश सुबह करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रात को ही हमारे मुंह में सबसे ज्यादा जर्म्स का अटैक होता है। तो अगर हम रात को ब्रश करके सोएंगे, तो ना ही हमारे ज्यादा टार्टर डिपॉजिट होगा, ना ही कैविटीज होंगी ज्यादा। दैट्स लवली, दैट्स हाँ लवली। सॉरी मेरे को एक जी, क्वेश्चन और पूछने का मन कर रहा, आपको बाय बोलने हाँ लगे, लेट जी, मी आस्क वन मोर क्वेश्चन। आजकल माउथ हाँ जी, फ्रेशनर्स का जमाना है, लोग वो यूज करते हैं, मुंह में गागल किया और स्पिट किया और कहते हैं कि अब मेरा मुंह फ्रेश है। आप सजेस्ट हाँ करती जी, हैं ये करना? हाँ जी। मैं सजेस्ट करती हूँ कि अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश ना यूज करें। हेक्सीडीन माउथ वॉश आता है, वो हफ्ता भर यूज कर सकते हैं, महीने में, अच्छा, उससे ज्यादा मतलब उसको हाँ रेगुलर जी। यूज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ब्रशिंग करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, इतना तो हम अपने दांतों के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और आपने बहुत सारी अवेयरनेस दी है मुझे दांतों के ट्रीटमेंट को लेकर के, और जो दांतों से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स हैं उनको लेकर के। आपसे मैं और भी क्वेश्चंस पूछूंगी आने वाले समय में, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आपके टाइम के लिए आज के लिए, लेकिन आपका थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर बींग सो थैंक यू काइंड। योगिता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर, थैंक थैंक यू, यू, सी यू थैंक अगेन। या यू, बाय थैंक बाय यू, बाय। बाय।